जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे, रिसर्च का काम किस तरह का चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो ये अभी सीरीज टू चला रहा हूँ, ठीक है। सीरीज वन का वीडियो अगर देखना चाहते हो, रिसर्च पेपर किस तरह का लिखते हैं, तो मेरा चैनल में चले जाओ। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को यहाँ पे लगा दो, ताकि आपको अपडेट आता रहेगा। नेक्स्ट है कि ये सीरीज वन सीरीज टू ये वाला मैं बताया था, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेटिक एनालिसिस रिव्यू पेपर, उसके बारे में बताया था। आज जो है, जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है सीरीज टू, जो कि एमसीडीएम बेस्ड रिसर्च पेपर किस तरह आप लिख सकते हो। एमसीडीएम क्या है? मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। उसके बेस के ऊपर आप रिसर्च पेपर किस तरह का लिख सकते हो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लगभग 20 या 30 तो वीडियो में लाऊंगा ये सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। पूरा डिटेल में, मतलब आपको रिसर्च पेपर किस तरह का लिखना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और हम लोग चैट जीपीटी को यहाँ पे ट्राई करेंगे ना यूज करने के लिए। रिक्वेस्ट आया था कमेंट सेक्शन में, 1 महीने पहले आया था, ठीक है। अभी थोड़ा बिजी था, अभी थोड़ा बिजी से थोड़ा सा टाइम मिला, इसलिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ। लास्ट वाला जो सीरीज वन मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल महीना में स्टार्ट किया था, अभी अगस्त महीना में ये क्या कर रहा हूँ कि सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एमसीडीएम बेस्ड अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है, तो आप ये सीरीज को देख सकते हो, डिटेल में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप कहीं पे जाते हो तो वो पैसा चार्जेस करते हैं इस चीज को समझाने के लिए अच्छा खासा। लेकिन रिसर्च पेपर लिखने का पूरे डिटेल, स्टेप बाय स्टेप किस तरह का लिखना है, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो भी है, इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सीरीज को कंटिन्यू करना जिसको रिसर्च पेपर लिखना है। देखो भाई, अभी आप आओगे, थोड़ा देखोगे, और मतलब 10-15 मिनट में देखोगे, उसके बाद थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओगे, उसके बाद चले जाओगे। टेंशन मत लो, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है ना, आप मेरे चैनल में फिर से आओगे, मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे YouTube में कोई नहीं देता है, जो पहला पहला रिसर्च करता है उसको आइडिया इतना नहीं रहता है। तो बात यह है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एमसीडीएम बेस्ड रिसर्च पेपर अगर आपको लिखना है, तो पहला कंडीशन क्या है कि एमसीडीएम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका रिसर्च फील्ड के रिलेटेड रिसर्च पेपर है कि नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन जो सेटअप करके रखा हूँ, डज एनी पेपर इज पब्लिश्ड टिल डेट रिलेटेड टू एमसीडीएम मेथड इन माय रिसर्च फील्ड, मतलब मेरा रिसर्च फील्ड है, या ये वीडियो जो देख रहा है, ये जो वीडियो देख रहा है उसका, आपका जो रिसर्च फील्ड के रिलेटेड क्या एमसीडीएम रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, ये पहला कंडीशन है। नहीं तो ये सीरीज को देखने का कुछ फायदा नहीं है। समझ आया क्या बोला? कि क्वेश्चन नंबर वन में मैं सेटअप करके रखा हूँ, जिस पूरा ये रिसर्च पेपर को क्वेश्चन बेस्ड बना दिया हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लगभग मुझे लग रहा है जितना 30 दिन के आसपास लग जाएगा, ठीक है। 30 दिन, 40 दिन इस तरह टाइम लगेगा। पूरे डिटेल में बताऊंगा ना, बिना चैट जीपीटी लगा के। तो टाइम तो लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस जिसका नहीं रहेगा, वो आगे जाके फिर से जब घूम फिर के यूट्यूब में जो सर्च करता है, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने के बारे में बहुत कम, क्या कोई भी नहीं इतना अच्छे से बताता है, ठीक है। मैंने लगभग ट्राई किया हूँ बताने के लिए, जो सीरीज वन में बताया था उससे पहले, और एक था हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर यूजिंग चैट जीपीटी, उसके बारे में ये बताया था। उसको भी आप जाके क्या कर सकते हो कि देख सकते हो, ये वाला है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। ये 7 घंटा 8 घंटा का है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिव्यू पेपर का लिखने के लिए बताया था, बिब्लियोमेटिक एनालिसिस करना है, ये लगभग 20 घंटा का है, ठीक है। लेकिन ये वाला सीरीज और थोड़ा ज्यादा लगेगा टाइम, 30 घंटा के ऊपर लग सकता है, जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि आप विदाउट चैट जीपीटी में लिखूंगा तो टाइम अच्छा खासा जाएगा। तो एक्साइटेड है कि नहीं, वे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता दिया, क्या आपका जो जो रिसर्च वर्क कर रहे हो उस रिलेटेड फील्ड में एमसीडीएम के ऊपर रिसर्च पेपर है क्या? पहला क्वेश्चन दिमाग में, अगर है तभी जाके ये सीरीज को देख के कंटिन्यू करो, नहीं तो
फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, आपका जो रिसर्च फील्ड है उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इंटरनेट में या यूट्यूब में जाके सर्च करो और ट्राई करो अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए। लेकिन अगर आपका रिसर्च फील्ड के एरिया में एमसीडीएम लगा के रिसर्च पेपर निकालते हैं तभी जाके ये सीरीज को आप देख सकते हो। तो चलिए गूगल स्कॉलर में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर वन बहुत मायना रखता है, ये जो सीरीज को देख रहा है। तो पहले डिसाइड करो, अगर पता नहीं है कि अगर मेरा फील्ड में या आपका फील्ड में एमसीडीएम का यूज आता है कि नहीं, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, फुल फॉर्म क्या है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, ये सीरीज देखते देखते आपको एमसीडीएम के ऊपर अच्छा खासा पकड़ आ जाएगा और खुद से रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि गूगल स्कॉलर का हेल्प लेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या एमसीडीएम जो है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, इसके रिलेटेड आपका रिसर्च पेपर हो रहा है कि नहीं। तो मैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो कमेंट सेक्शन में आया था उसके रिलेटेड में जो टॉपिक देखा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में किस तरह का सर्च करते हैं एमसीडीएम के रिलेटेड, तो ये मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपल जाना है आपको, गूगल स्कॉलर में एंट्री करना है और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक तो सर्च करके रखा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एमसीडीएम, एमसीडीएम हमारा कीवर्ड रहेगा। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एमसीडीएम आपका यहाँ पे कीवर्ड रहेगा, उसके बाद आपका रिसर्च फील्ड के हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लगाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लगा के एमसीडीएम जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इसको लगा के क्या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आप इस तरह का सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो एल्सेवियर अच्छा खासा स्कोपस का ब्रांडेड वाला जर्नल है, एल्सेवियर बहुत बड़ा कंपनी है, अगर पता नहीं है तो पता करो जरूर, एल्सेवियर अच्छा खासा जर्नल है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इस टॉपिक का नाम, देख सकते हो कंसोलिडेटेड एमसीडीएम फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड ऑन रैंकिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे बैटरी के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड, जो कि बैटरी के क्यों, ये बैटरी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर लिखूंगा वो आगे जाके पब्लिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं बैटरी के रिलेटेड में थोड़ा सा मेरा खुद का रिसर्च कर रहा था कि बैटरी को लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं यूज करूंगा, मेरा खुद का जो व्हील चेयर का है उसके रिलेटेड में बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं वहां पे स्टेप दिखाऊंगा एज ए एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल का जो नॉलेज गेन करोगे वो आपका रिसर्च फील्ड में आप लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और एमसीडीएम का रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड यहाँ पे क्या होता है कि एमसीडीएम में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे क्या है कि लेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, डिजास्टर, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी इंडिया में पता है केरला में अभी लैंडस्लाइड हुआ है, तो डिजास्टर के ऊपर रिलेटेड रिसर्च मतलब करते हैं, बहुत स्टूडेंट करते हैं, तो रियल लाइफ में इसको एप्लीकेशन बहुत है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिसर्च गेट, यहाँ पे देख सकते हो एल्सेवियर में भी अच्छा खासा पब्लिश यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन श्रीलंका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एमसीडीएम के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये एनसीडीएम लिखा हुआ है, एनसीडीएम अलग चीज है, एमसीडीएम अलग चीज है। ठीक है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे ये देखो एनसीडीएम हम लोग सर्च में है इसलिए एनसीडीएम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मल्टी क्राइटेरिया मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड रहेगा, आपका रिसर्च फील्ड, जैसे यहाँ पे मैं रिसर्च फील्ड का नाम लिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर करना है और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगा के कोई क्या किया है क्या। तो हम लोग क्वेश्चन वन को ही पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं कि मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग लगा के क्या कोई फील्ड में आपका रिलेटेड फील्ड में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है क्या, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा सीरीज को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे दिखा है इवैल्यूएशन ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर प्रिपेयरनेस बाय मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा रिसर्च पेपर है,
और एमसीडीएम के रिलेटेड है। तो आपका काम क्या है, आप जब ये मेरा वीडियो देख रहे हो अभी तक कंटिन्यू करके पेशेंस लगा के ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका काम है कि आपका जो रिसर्च फील्ड है यहाँ पे उस कीवर्ड को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग इस तरह का आप लिख सकते हो, ये कीवर्ड रहेगा क्योंकि ये आपका मेजर नॉलेज आपको यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, बहुत वेराइटी वेराइटी का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो यहाँ पे और कुछ लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को चेंज करके और क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन 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 को रिलेटेड हम लोग करेंगे मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर। क्या इसके रिलेटेड इस पेपर पब्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पहला आ जाता है रिव्यू आ जाता है, ये वाला देख सकते हो रिव्यू के ऊपर आया है। दूसरा देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज हो रहा है इन कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर वो लिटरेचर रिव्यू लिखा, मतलब रिव्यू को ही अगर कर रहा है इसका मतलब अच्छा खासा वहां पे काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला टॉपिक का नाम ए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मॉडल टू चूज बेस्ट ऑप्शन फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाता है। और क्या मिल जाता है, क्या हम लोग कोई मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आएगा क्या, मटेरियल सिलेक्शन, कोई भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड कोई मटेरियल बना, मतलब बना रहा है क्या, उसके रिलेटेड हो रहा है क्या, हाँ मटेरियल सिलेक्शन में है, मुझे आइडिया है, क्या आपको आइडिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल सिलेक्शन यूजिंग मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड ए कंपैरेटिव स्टडी, ये 2012 का पेपर पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 में पब्लिश हुआ है, इंदर साइंस का पब्लिकेशन है, मटेरियल सिलेक्शन यूजिंग मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड फॉर जियो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टी क्राइटेरिया जो डिसीजन मेकिंग है एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ये बहुत वास्ट एरिया में यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट है। मुझे लग रहा है जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका रिलेटेड अगर मतलब रिलेटेड जो टॉपिक आपको पता होगा आपका रिलेटेड रिसर्च क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग ऊपर भी आप रिसर्च पेपर रैंडमली लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हो या मास्टर डिग्री का मास्टर डिग्री कर रहे हो उसके रिलेटेड आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो आपको एक अच्छा खासा क्या करना है कि जो आपका रिसर्च एरिया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो मटेरियल सिलेक्शन के अगेंस्ट में लिख सकते हो और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग को आप लिख सकते हो। उसके बाद सर्च करना और देखना है कि आपका रिलेटेड फील्ड में रिसर्च पेपर मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का है कि नहीं। अगर है और आपको इसके रिलेटेड रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है, और तो क्या कर सकते हो कि कंप्लीट ये सीरीज को देख सकते हो, आपको गारंटी बेनिफिट मिलेगा। YouTube में इस तरह का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर होके है, ठीक है, कोई एक तो एक मतलब एक वन प्लेस में कोई रखा नहीं है, एक सिंगल सीरीज बना के कोई नहीं रखा है, इधर उधर है। ऐसा नहीं कि मैं कहाँ से सीखा, मैं भी YouTube से सीखा हूँ, लेकिन बहुत रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद और YouTube का वीडियो देखने के बाद तभी जाके दिमाग में आया कि ये सिस्टमेटिकल होता है, तो वो सिस्टमेटिक जो है पूरा मैं ये सीरीज में आपके लिए रखने वाला हूँ, ठीक है। तो और कुछ लेंगे क्या, जैसे कि फार्मेसी के रिलेटेड लेते हैं, ठीक है, फार्मेसी के लिख देते हैं फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी के रिलेटेड यूट्यूब में मेरा सब्सक्राइबर है, वो भी क्या करते हैं कि रिसर्च पेपर, अभी कल कल एक है आशीष, आशीष उनके साथ बातचीत हो रहा था, उनका पहला वाला पेपर पब्लिश हो गया है और वेब ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ है, और उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, पहला वाला पेपर जो पब्लिश होता है उसका जो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस रहता है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। मैंने मेल के थ्रू से भी उनको भी बताया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू में बता देता हूँ, मेरे वीडियो वो देखते हैं तो फार्मेसी के रिलेटेड देखते हैं कि एमसीडीएम का क्या मतलब रिलेटेड रिसर्च फील्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा मैनेजमेंट का आ जाता है, एमसीडीएम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस फॉर फार्मास्यूटिकल सप्लायर सिलेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग फॉजी टॉपसिस, ठीक है।
यहाँ पे फौजी लगाया है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का चीज लगाया है। हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो सीरीज होगा ना, हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग का टोटली यूज नहीं करेंगे, फौजी फौजी यूज नहीं करेंगे। आपको पहले तो एमसीडीएम के बारे में पता होना चाहिए ना। हम थोड़ा एडवांस वर्सन लाएंगे, सीरीज 2 अभी चला रहा हूँ, सीरीज 3 जब आएगा थोड़ा एडवांस वर्सन, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फौजी लगा के करेंगे। अभी कोई अगर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा फौजी करके दिखा दो, रिसर्च इस तरह का नहीं है भाई, करके दिखा दो, इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है अच्छा खासा, जो रिसर्च खुद करता है उसको पता होता है कितना टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग फैक्टर अफेक्टिंग एजिलिटी ऑफ सप्लाई चेन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये तो मैनेजमेंट का रिलेटेड और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी का और मल्टीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग का मिक्स करके ये वाला रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। उसके बाद सप्लाई चेन के ऊपर मैक्सिमम लिख दिया है, तो फार्मास्यूटिकल के यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको लगाना है, यहाँ पे सिर्फ मैं फार्मेसी लगाया तो गूगल सर्च में वो मैनेजमेंट के रिलेटेड टॉपिक को वो मिक्स करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपका जो है वो सब समझना पड़ेगा। मेडिकल का भी पेपर देखोगे वहां पे भी मल्टीग्रेड मतलब डिसीजन मेकिंग का पेपर यूज मतलब मेथड यूज होता है। फार्मेसी का भी अगर देखोगे, कोई भी फील्ड का देखोगे, वहां पे कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। उस कीवर्ड को आप लगाओ और देखो कि आपका रिलेटेड पेपर है कि नहीं। अगर है तभी जाके ये सीरीज आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अब ये 30 घंटा का जर्नी या 30-40 घंटा का जर्नी कितना लगेगा मुझे पता नहीं, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जर्नी में आपको क्यों वेस्ट करना है, तो पहले देख लो कि अपना रिलेटेड मतलब रिसर्च पेपर मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग में हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, उस पेपर को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और जितना समझ में आता है तो उसको नॉलेज गेन कर सकते हो। नहीं तो ये पूरा वीडियो को जो सीरीज चलाऊंगा उस सीरीज को पूरा कंटिन्यूअस करके देखो, और देखने के बाद मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको रिसर्च पेपर लिखने का आइडिया कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को और मतलब आज के वीडियो में मैं लगभग बता दिया है कि क्या कोई पेपर आपका रिलेटेड फील्ड में, रिसर्च फील्ड में एमसीडीएम के रिलेटेड निकला हुआ है कि नहीं, उस प्रॉब्लम को आप जाके चेकआउट कर सकते हो गूगल स्कॉलर का हेल्प लेके। ठीक है, तो ये सीरीज में हम लोग क्या क्या करेंगे उसका मैं डिटेल पहले वीडियो में ही दे देता हूँ, ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एमसीडीएम मेथड। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा एमसीडीएम मेथड क्या है। ठीक है, उसका पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे कि एमसीडीएम मेथड उसका कोई अगर बुक है उस बुक को जाके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एमसीडीएम का ऊपर पढ़ेंगे पढ़ेगा तो बहुत लंबा टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, हम लोग को टारगेट रहेगा कि हम लोग जो एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए क्या क्या यूज कर सकते, उसके बेसिस में मैं एमसीडीएम मेथड क्या है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो एमसीडीएम मेथड आपको पता चल गया बेसिक बेसिक चीज में, जो क्वेश्चन नंबर 2 को जब एड्रेस करूंगा जिस वीडियो में वहां पे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग एड्रेस करेंगे कि थोड़ा सा आपको एमसीडीएम के बारे में पता हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को जब मैं एड्रेस करूंगा तब आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 को एड्रेस करने के टाइम में आपको पता चल जाएगा एमसीडीएम मेथड क्या है और आपके रिलेटेड फील्ड में है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक रिसर्च टाइटल यूज करेंगे। ठीक है, रिसर्च पेपर हम लोग को खुद का लिखना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइव करके मतलब ये वीडियो के थ्रू से पेपर लिख के दिखाऊंगा, तो मुझे तो एक पेपर का टाइटल चाहिए कि नहीं, जो रिसर्च पेपर को आगे जाके सबमिशन करूंगा। तो खुद का रिसर्च पेपर को आप किस तरह का नाम दे सकते हैं उस पेपर टाइटल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, एक डेमो दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। डेमो क्या होगा कि जो ऑलरेडी एमसीडीएम पेपर पब्लिश हुआ है, मैं मेरा खुद का पेपर का डेमो दे दूंगा, वो पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। गूगल स्कॉलर में जाओगे, ओपन एक्सेस वाला जर्नल में पब्लिश किया था, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का वो इंडेक्सिंग वाला जर्नल है। तो उस पेपर में मैंने क्या क्या एमसीडीएम में किया था एक ओवरलुक देखेंगे। ठीक है, ओवरलुक देखेंगे तो तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्टेप काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग खुद लिखना पड़ेगा डेमो, बिना डेमो थोड़ा सा देखे कि एक रिसर्च पेपर में क्या क्या होता है उसको अवॉइड करके डायरेक्ट रिसर्च पेपर अगर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छा खासा बोरिंग लगेगा, उस बोरिंग पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक डेमो दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप एड्रेस करेंगे, डेमो ऑन ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च पेपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे अपना रिसर्च पेपर लिखने का
स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक जो रिसर्च पेपर है, एक स्केलेटन बनाएंगे एक रिसर्च पेपर का, मतलब वहां पे क्या रहेगा, टाइटल रहेगा, आफ्टर रहेगा, कीवर्ड्स रहेगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। क्या मतलब सिर्फ हेडिंग रहेगा, ठीक है। स्केलेटन के बारे में अच्छा खासा मैंने बताया था, ये वाला सीरीज अगर कोई देखा है, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, इसमें अच्छा खासा मैंने बताया था, जो मैं यहाँ पे पार्ट 3 वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला व्हाट इज ए रिसर्च पेपर आउटलाइन, ये वाला देख सकते हो, ठीक है, ये वाला देख सकते हो। इस वीडियो का आप जाके क्लिक कर सकते हो, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर वाला। यहाँ पे एक आउटलाइन बनाना है रिसर्च पेपर मैनुस्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हो उसका, आप क्या कर सकते हो कि एक आउटलाइन बनाएंगे, जो आउटलाइन बनाएंगे उसको मैं यहाँ पे स्केलेटन के हिसाब से मैं रख दिया, एक रिसर्च पेपर आउटलाइन बनाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और खुद का जो रिसर्च पेपर मैं लिख के यहाँ पे शो करूंगा, डायरेक्ट खुद लिखूंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग लिखा रहेगा और आपको उसको समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा लाइन बाय लाइन लिख के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्केलेटन को बनाएंगे, उसके बाद क्या है कि पूरा रिसर्च पेपर स्टार्टिंग से नहीं लिखेंगे, कि पहले आफ्टर लिख देंगे, कीवर्ड्स लिख देंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। तो एमसीडी मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग में क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम लोग को एक्सेल यूज करेंगे। आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, मतलब कोडिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, पाइथन या मैटलैब यूज कर सकते हो, लेकिन एमसीडीएम का जो प्रॉब्लम है इसको आप क्या हैंडल एक्सेल का, माइक्रोस्कोप का, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल आता है उस एक्सेल में आप क्या कर सकते हो कि यूज कर सकते हो। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लोग एमसीडीएम पेपर नहीं लिख सकते, ठीक है, मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग के ऊपर पेपर नहीं लिख सकते। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में अटेम्प्ट करेंगे कि एक डिसीजन मैट्रिक्स किस तरह का हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपका क्या अप्रोच हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला स्टेप है डिसीजन मैट्रिक्स बनाने का, किस तरह का बना सकते हो, ठीक है, ये पहला स्टेप है। इस स्टेप को अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो आप रिसर्च पेपर कभी भी नहीं लिख सकते हो मल्टीग्रेड क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो ये डिसीजन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इसको डिजाइन करना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और मैं जो खुद का एग्जाम्पल रखा हूँ, एक बैटरी सिलेक्शन करना है मुझे व्हील चेयर के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड मुझे करना है, तो उस एग्जाम्पल को लेके मैं डिसीजन मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट का हेल्प लेंगे, थोड़ा एक्सपर्ट का व्यू भी लेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे, जब डिसीजन मैट्रिक्स मतलब कैसे डेवलप करना है उसके बारे में बातचीत जब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में जब मैं अटेम्प्ट लूंगा उस डिजाइन योर डिसीजन मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, क्राइटेरिया वेट जब मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें क्राइटेरिया क्या है, उसका इंपोर्टेंस है, उसको कैसे वेट कैलकुलेशन करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट करेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव है उसको कैसे रैंकिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, और नेक्स्ट देखेंगे कि क्योंकि मल्टीक्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड एक नहीं है, यहाँ पे बहुत है, विकिपीडिया का एक मल्टीक्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग विकिपीडिया अगर मारोगे तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, 22 23 25 तो मल्टीक्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का मेथड मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड को लगा के हम लोग कंपेयर करेंगे, जो जो पहला वाला यहाँ पे रैंकिंग किए हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पे जो सॉल्व करके यहाँ पे रैंकिंग मिलेगा ऑल्टरनेटिव का, उसका क्या करेंगे कि मल्टीक्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग अदर मेथड में क्या क्या आ रहा है उसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड का रैंकिंग आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आप ऑल्टरनेटिव लोगे उसी हिसाब से आपको क्या रैंकिंग आएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन व्हाट इज एमसीडीएम मेथड उसके ऊपर जो बात करेंगे, जो डेमो वाला वीडियो दिखाऊंगा जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश्ड है, उसको देखने के बाद ये वाला आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कॉपलैंड वोटिंग रूल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड का डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग रहेगा, तो फाइनल एक बार आपको रैंकिंग दिखाना पड़ेगा, तो उस टाइम में आपको कोपलैंड वोटिंग रूल को अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में एड्रेस करेंगे कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके बाद सेंसिटिव एनालिसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद समझने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर डेडिकेटली आप टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तभी जाके समझ में आता है। ये सेंसिटिव एनालिसिस समझने के लिए मेरा अच्छा खासा 4 से 5 महीना इस तरह का टाइम गया है,
अभी भी जा रहा है क्योंकि नया नया एमसीडीएम जो नया नया सेंसिटिव एनालिसिस है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मुझे जितना पता है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, सेंसिटिव एनालिसिस, क्योंकि रिसर्च पेपर में वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब खत्म हो जाने के बाद, अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म होने के बाद ये सब डाटा एक्सेल में रहेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह का लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो जो हम लोग क्राइटेरिया वेट करने के लिए जो मेथड यूज किए हैं, रैंकिंग करने के लिए ऑल्टर जो मेथड एमसीडीएम का मेथड यूज किए हैं उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैलकुलेशन के साथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये 16 सेम हो गया, ठीक है, रेजोल्यूशन डिस्कशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे नहीं लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखना है उसके बारे में बातचीत करेंगे, रेफरेंस किस तरह का लिखेंगे, उसके बाद एक जर्नल में जाके किस तरह का सबमिट करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। ये मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि किस जर्नल में डालूंगा, ये दिमाग में सेटल है। तो ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है, एमसीडीएम बेस्ड रिसर्च पेपर अगर आपको लिखना है, समझना है किस तरह का लिखते हैं, तो ये जर्नी में मेरा साथ आप आ सकते हो। और मल्टी ग्रेड डिसीजन मेकिंग मेथड के ऊपर रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो। तो यही चीज आपको बताना था, ये जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस जर्नी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर लग रहा है कि आपका रिलेटेड फील्ड में मल्टी ग्रेड डिसीजन मेकिंग मेथड का रिसर्च पेपर है तो ये जर्नी में ज्वाइन करके आप ये नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो क्या कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।